प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से ज़बूर 109 उसकी 21 आयत से 31 आयत तक। लेकिन ए मालिक खुदावंद, अपने नाम की खातिर मुझ पर एहसान कर, मुझे छुड़ा क्योंकि तेरी शफ़क़त खूब है, इसलिए कि मैं गरीब और मोहताज हूँ और मेरा दिल मेरे पहलू में जख्मी है। मैं ढलते साया की तरह जाता रहा, मैं टिड्डी की तरह उड़ा दिया गया, फाका करते करते मेरे घुटने कमजोर हो गए और चिकनाई की कमी से मेरा जिस्म सूख गया। मैं उनकी मलामत का निशाना बन गया हूँ, जब वो मुझे देखते हैं तो सर हिलाते हैं। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी मदद कर, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे बचा ले, ताकि वो जान ले कि इसमें तेरा हाथ है और तू ही ने ऐ खुदावंद ये किया है। वो लानत करते रहे पर तू बरकत दे, वो जब उठेंगे तो शर्मिंदा होंगे पर तेरा बंदा शादमान होगा। मेरे मुखालिफ जिल्लत से मुबल्लस हो जाएं और अपनी ही शर्मिंदगी को चादर की तरह ओढ़ लें। मैं अपने मुंह से खुदावंद का बड़ा शुक्र करूंगा, बल्कि बड़ी भीड़ में उसकी हम्द करूंगा, क्योंकि वो मोहताजों के दाहिने हाथ खड़ा होगा, ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रिहाई दे। आमीन। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन।